ऑनलाइन बैटिंग ऐप महादेव सट्टा ऐप के सरगना समेत ऐप से जुड़े सभी सट्टेबाजों पर लगातार कार्रवाई जारी है। महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल सहित इस सट्टा ऐप के में संलिप्त सट्टेबाजों और परिवार के सदस्यों को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ ही ईडी में पिछले महीने रवि उप्पल के भाई राहुल उप्पल के स्मृति नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राधिका अपार्टमेंट में जाकर उनके घर को नोटिस चस्पा कर सील कर दिया गया है। हम खड़े हैं भिलाई के स्मृति नगर थाना क्षेत्र के राधिका अपार्टमेंट में। फिलहाल इस जगह पर कुछ दिन पूर्व ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने यहाँ पर आके नोटिस चस्पा किया है। नोटिस चस्पा जो किया है वह है रवि उप्पल के भाई, आप देख सकते हैं राहुल उप्पल का। यहाँ पर उन्होंने नोटिस चिपका के उन्हें नोटिस दिया था 25 सितंबर को और 27 सितंबर को उन्हें उपस्थित होने के नोटिस उनके घर पर चस्पा करके गए हैं। राधिका अपार्टमेंट में यह 7वें फ्लोर पर यह रहते हैं और फिलहाल यह घर बंद था। नोटिस चिपका के ईडी वाले यहाँ से चले गए हैं। यह पूरा मामला है महादेव ऑनलाइन बेटिंग सट्टा ऐप का, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जैसे कई बड़े नाम, फिलहाल ग्लोबल स्तर पर काफ़ी नाम है इनका, पूरे देश में नहीं विदेशों में भी। और कुछ दिन पहले जो 200 करोड़ की सबसे महंगी शादी है उसकी वजह से चर्चा में आए हैं न सिर्फ सौरभ चंद्राकर, आज बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटी भी उसके वजह से फंस चुके हैं। कई सेलिब्रिटी को नोटिस जारी हुआ है। फिलहाल कुछ दिन पहले कल ही रणबीर कपूर को भी नोटिस जारी हुआ है कि रायपुर ईडी ऑफिस में आके वो अपना बयान, अपना पक्ष रखे। और लगातार यह कार्रवाई जारी है भारत में। छत्तीसगढ़ में लगभग एक साल पहले दुर्ग एसपी रहे डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने यह जो है महादेव सट्टा ऐप को ईडी को सौंपा था, तब से यह मामला ग्लोबल हो चुका है। अब ये जैसे जैसे चुनावी माहौल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही यह मामला भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का तो आरोप है इसके एवज में भाजपा राजनीति कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल जैसे लोग पकड़ से बाहर हैं। देखना होगा कि दुबई में बैठ के अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल कब तक भारत सरकार के हाथ में आते हैं या केवल यह छुपा छुपी का खेल चलता रहेगा। भिलाई से मैं इंडिया न्यूज़ के लिए वैभव चंद्र।